हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आजकल विंटर डायरिया काफी फैला हुआ है, तो मेरे पास काफी क्वेरीज आ रही हैं कि बच्चों को लूज मोशंस हो रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे उपाय बताइए, कुछ घरेलू नुस्खे बताइए कि बच्चों के लूज मोशंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, विंटर डायरिया यूजुअली एक नोरो वायरस होता है, उसकी वजह से हो सकता है एडल्ट्स में, बच्चों में रोटा वायरस की वजह से डायरियाज होते हैं। बट इलाज, चाहे वो विंटर डायरिया हो चाहे वो डायरिया समर में हो, इलाज एक ही रहता है और इलाज है इसका इलेक्ट्रॉल या ओआरएस। आप बच्चे को ओआरएस देते रहिए, प्रोबायोटिक दीजिए और एंटीबायोटिक से अवॉइड कीजिए। ज्यादातर मैंने देखा है कि घरों में लोग माँ बाप अपने हिसाब से ओएफएम या फिर जो मेट्रोनिडाजोल या इस तरह के कॉम्बिनेशन देना शुरू कर देते हैं, उससे बच्चे को और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि वो बहुत बिटर टेस्ट के होते हैं। उससे बच्चे को उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं और बच्चा खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। 99% केसेस में मैं समझता हूँ कि बच्चों को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। अगर सिंपल वाटरी डायरिया हो रहा है, बिल्कुल पानी जैसा डायरिया हो रहा है, वाइट वाइट पॉटी हो रही है, इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। एंटीबायोटिक का रोल तभी आता है जब आपके बच्चे के पॉटी में ब्लड आ रहा हो या उसको फीवर बहुत तेज आ रहा हो या उसको टॉक्सिक हो रहा हो, और वो डॉक्टर ही देख के बता सकता है कि आपके बच्चे को डायरिया के समय एंटीबायोटिक की जरूरत है या नहीं है। तो घरेलू नुस्खों में अगर जाए तो इलेक्ट्रॉल पिलाइए। अगर आपका बच्चा, ज्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा इलेक्ट्रॉल नहीं पीता है, तो आप होममेड ओआरएस बना सकते हैं जिसमें नमक शक्कर का घोल और उसमें थोड़ा सा आप नींबू डाल सकते हैं। तो चीनी और नमक का घोल बना के आप घर में उसको दीजिए, आप नारियल पानी उसको पिला सकते हैं। ऐसे में जूसेस वगैरह देना या कोल्ड ड्रिंक पिलाना ये हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। तो बच्चे को दही आप दे दीजिए। दूध की चीजों में दूध और खोया और मिठाइयाँ, ये चीजें आप उसकी बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो घरेलू तरीकों पे अगर आप जाएं तो आपकी रेमेडीज में आप उसको इलेक्ट्रॉल दीजिए, दूध देना उसको बिल्कुल अभी कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, और उसको प्रोबायोटिक्स आप दे सकते हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करके। नारियल का पानी, होममेड ओआरएस ये दीजिए और साथ में जिंक 14 दिन के लिए दे दीजिए। जिंक के सिरप्स आते हैं जो कि 20 mg जिसमें जिंक होता है, पर डे की डोज है, उसको आप दे दीजिए। एंटीबायोटिक से परहेज कीजिए, मेट्रोनिडाजोल वगैरह की भी इसको जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो होम रेमेडी फॉर डायरिया आपके लिए ये वीडियो है, इसको देखिए और लोगों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए देता रहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।